Hello everyone, welcome to Science Bubble. So today's question is question number 22 of class 11th chemistry chapter 1st. है ना? If the speed of light, question says that if the speed of light आपको given है, distance आपको निकालनी है, time आपको given है nanosecond, है ना? तो simple distance का formula क्या होता है बेटा? Speed into time. क्या होता है? Speed into time. देखो speed आपको given है किसमें? Meter per second unit में, है ना? और time आपका किसमें होता है बेटा? Specific second में होता है. किसमें होता है? Second में. तो कहीं ना कहीं per second से second आपका cancel out हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको time चाहिए बेटा second में. आपको time दे रखा nano second में, है ना? Nano second को आपको किसमें convert करना होगा? पहले second में convert करना होगा. तो देखो distance का formula speed into time. Speed हमारे पास given है, इसको हमने time से multiply किया, टाइम मेरे पास है नैनो सेकंड. तो कन्वर्जन करने के लिए बेटा स्पेसिफिक एक सिंपल सी ट्रिक क्या है? देखो जिस चीज में कन्वर्ट करना है उस चीज से कर दो मल्टीप्लाई, है ना? सेकंड से आपने इस केस को मल्टीप्लाई, देन डिवाइड कर दो. जिस चीज में गिवन है तो नैनो सेकंड में गिवन है तो नैनो सेकंड हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया. क्योंकि देखो नैनो सेकंड से नैनो सेकंड मेरा कैंसिल हो जाएगा, आंसर मेरा सेकंड में आ जाएगा. अब देखो नैनो सेकंड में आपने डिवाइड किया था, सेकंड से आपने मल्टीप्लाई किया था. अब चेक करो बेटा कि नैनो सेकंड और सेकंड में क्या रिलेशन है. अब देखो हमें पता है कि जो एक नैनो सेकंड है ना, वो कहीं ना कहीं मेरा 10^9 सेकंड के इक्वल होती है. यही मेरा नैनोमीटर में होता है. लाइक 1 नैनोमीटर इक्वल होता है मेरा 10^-9 मीटर. तो कहीं ना कहीं मेरा जो नैनो होता है ना, नैनो उसी का मतलब होता है मेरे पास बेटा 10^-9, है ना? कहते हैं ना नैनो पार्टिकल्स, है ना? नैनो पार्टिकल यानी कि 10^-9 मेरा इसका मतलब होता है. जैसे मिली का मतलब होता है 10^-3, है ना? किलो का मतलब होता है 10^-3, है ना? तो इसी तरह से मेरा नैनो का मतलब होता है 10^-9. तो मेरा एक नैनो सेकंड है वो इक्वल है 10^-9 सेकंड से. तो मेरा कहीं ना कहीं आंसर है वो बन जाता है बेटा 6 × 10^-10. हमने इसको सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करके मीटर डिस्क आंसर कैलकुलेट कर दिया, है ना? क्वेश्चन को सॉल्व किया, 3 × 6, है ना? 6 को मेरे पास क्या हुआ बेटा? 6 × 10^-1 बना, ठीक है? और 10^-1 का मतलब भी मेरे पास क्या बेटा? डिवाइड बाय 10. तो इसका आंसर बेसिकली आपके पास बन जाए 0.6 मीटर, है ना? आपने साइंटिफिक नोटेशन के लिए इसको किसमें किया कन्वर्ट? जैसे ए 1 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर बेसिकली इक्वल टू 1000 ऑफ मीटर, है ना? तो 3 सिंबल्स आर देयर, है ना? 3 सिंबल्स आर देयर. तो आपने इसको क्या किया, सिंपल 3 डिजिट्स में कन्वर्ट कर दिया, 0.600 मीटर, राइट? सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 22. थैंक यू. आई होप आई क्लियर योर डाउट.